मैं नेमतुल्ला सिद्दीकी महाराजगंज से उत्तर प्रदेश। आज हमारे सामने हैं जनाब इस्माइल भाटली वाला साहब, जो कि राष्ट्रीय कन्वेनर हैं और इनकी लड़ाई बहुत ही मुस्तहद है और मेरा मानना है कि जहाँ तक कि काफ़ी कठिनाइयों का सामना इनको करना पड़ सकता है और मैं इनसे मोटिवेट होकर अपने महाराजगंज जिले से खींचा चलाया। इस समय हम लखनऊ में बैठे हुए हैं और उस पैकेज, इन्होंने एक पैकेज बनाया, उस पैकेज को लेकर मैं इनसे चंद सवाल पूछना चाहता हूँ कि बाटली वाला सर, क्या आप बताएंगे कि जैसे हमारे इस्लाम में भी लिखा है और कई पार्टियों ने भी अपने डिबेट में कहा है कि अगर हम किसी मुसलमान से, चाहे वो चूल्हा हो, शेख हो, पठान हो या सैयद हो या नाई हो, धोबी हो, हजाम हो, अगर उससे हम पूछते हैं कि आप कौन से कास्ट के हो, आपकी बिरादरी क्या है, तो वो मुसलमान कहता है और कोई ये नहीं कहता कि मैं मतलब चूल्हा हूँ, चाहे धोबी हूँ, चाहे शेख हूँ, चाहे सिद्दीकी हूँ। और इस्लाम में भी इस बात का जिक्र है कि खुद को मुसलमान समझो, अगर आप ईमान वाले हो तो खुद को मुसलमान समझो। और आपके एक पैरा में मैंने पढ़ा है कि आपने लिखा है, आपने मांग की है संविधान अंडरलाइन संविधान। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपने संविधान से ऊपर हट के कोई काम किया है, संविधान के अंडरलाइन में ही आपने एक चीज़ उसमें मांगा है जो मैंने पढ़ा है, बहुत ही टॉपिक वाली चीज़ है कि उसमें आपने लिखा है कि कुरैशी हुए, वो अंसारी हैं और जो भी लोग हैं, इन लोगों को एक परसेंटेज दिलाने के लिए एक वर्ग के टाइप से, और दूसरी चीज़ जिस तरह एससी एसटी है उसी तरह इनको भी एससी एसटी की श्रेणी मिलाने के लिए आपने जो उसमें लिखा है एक मुहिम के द्वारा, तो ये कैसे आप इस्लाम से हटकर, राजनीतिक से हटकर एक नई चीज़ जो समाज को आप देने वाले हैं, ये आपने कहाँ से कैसे सोचा कि ऐसा होना चाहिए? इसके पीछे कुछ आपका उद्देश्य होगा कि ऐसा क्यों होना चाहिए? इतने 1400 बरस का इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मुसलमानों को इस तरह पार्ट वाइज करके किसी तरह देखा जाए, तो इसका कोई आप बताएं। जी, आपका सवाल जो है वो बहुत सही और दुरुस्त। मेरे ख्याल से इस तरह के सवाल जो है समाज में उठने चाहिए और इस पर डिस्कशन होना चाहिए, बिल्कुल खुलकर बहस होनी चाहिए। जब खुलकर बहस होगी तो मैं समझता हूँ कि इसकी हकीकत, इसकी सच्चाइयाँ सब सामने आएंगी। एक सवाल आपका यह है कि भाई जब कोई उससे पूछा जाता है तो लोग कहते हैं मैं मुसलमान हूँ, और इस्लामी नुक्ते नज़र से भी यही है कि भाई हम सभी मुसलमान हैं, लेकिन हमने जो पैकेज की जो डिमांड लेटर तैयार की है में हमने पसमानदा शब्द धोबी, तेली, नाई वगैरह का जिक्र किया है, ये सही है। मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा। जब हमारे मजहब की बात आएगी, जब दीन इस्लाम की बात आएगी, वहाँ तो हम सब बराबर हैं। हम मुसलमान ही हैं, धोबी हैं तो भी मुसलमान हैं, नाई हैं तो भी मुसलमान हैं, तेली हैं तो भी मुसलमान हैं, मंसूरी हैं तो भी मुसलमान। जब ये मामला आता है तो हम सभी लोग एक जमात की नमाज में नमाज अदा करते हैं, एक थाली में खाते हैं, सब कुछ ये बिल्कुल ये सूरज की तरह रोशन है, इसमें कोई ढक्का छुपी बात नहीं है और ये इस्लामी निज़ाम का बहुत ही बेहतर निज़ाम है, इसको मैं कबूलता हूँ और बहुत ही बेहतर है, मैं एहसास करता हूँ, महसूस करता हूँ और उस पर अमल भी करता हूँ। रही बात दूसरी की, जो आपने सवाल किया कि भाई हमारे पैराग्राफ में जो भी तेली नाई का जिक्र हमने क्यों किया है, वो तो इसलिए किया है कि हमारा जो भारतीय संविधान है, समझे सर, वो आपको सुविधा देता है नाई के नाम पर, रिजर्वेशन देता है धोबी के नाम पर, तेली के नाम पर, मंसूरी के नाम पर, कुरैशी के नाम पर, इस तरह की कैटेगरी हमारे संविधान ने बनाई है। जब संविधान में ये चीज़ें दर्ज हैं, इस तरह की उसने कैटेगरी बना दी है, तो संविधान को हम क्रॉस तो नहीं कर सकते। अब मुसलमानों के खाते में अगर हमें कुछ फायदे की लड़ाई लड़नी है, उनके हक और हिस्से की लड़ाई लड़नी है, तो एक तरफ कुरान तो कहता है भाई तुम सब एक हो, तो इसमें तो हम मंजूर करते हैं, नबी की तमाम हदीसें भी हैं हमारी एकता के, उस तरफ हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम शादी किया करते हैं, खान पान करते हैं, सब करते हैं,
लेकिन जब हम दुनियादारी में आते हैं तो दुनियादारी में हमारे जो है संविधान भी एक बहुत ही अहम ग्रंथ है जिसको हम टाल नहीं सकते। उसके अंदर तेली की पहचान, नाई की पहचान, धोबी की पहचान, मोची की पहचान, कुरेसी की पहचान, दीगर तबकात की पहचान, ये तबके जो हैं ये पेशावर लोग हैं। जो लोग इनको जातियां कहते हैं मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूँ, ये जातियां नहीं हैं, ये पेशावर लोग हैं, इनके पेशे हैं, ये अपने पेशे के नाम से जाने जाते हैं, समझे ना। जैसे कि आप कसाई कह लेंगे, कसाई का पेशा क्या है, कोस का व्यापार करना, जमा करना, इस तरह के। गड़रिया का बात कह लेंगे तो गड़रिया का एक पेशा है बकरी चलाना, जानवर चराना वगैरह, इस तरह का है। मंसूरी की बात करेंगे तो उनका एक पेशा है जो आपके घरों में चादर पहुँचाए, पर्दे पहुँचाए, गद्दे पहुँचाए, इस तरह के। तो इनको मैं जातियाँ नहीं मानता हूँ, ये जातियों का भाग नहीं है, ये पेशावर लोग हैं। और हमारा संविधान जो है इन पेशावर लोगों के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान रखता है, इसलिए हमने इसमें दर्ज किया हमारे पैकेज में कि भाई जो रिजर्व जो प्रावधान हमारे संविधान में दिया है मैं उसके दायरे में रह करके मैं धोबी, नाई, तेली और कुरेशी और मंसूरी का नाम ले रहा हूँ। ये संवैधानिक अधिकार है, मैं संविधान ने दिया है। जनरल मुसलमानों के जो लोग रिजर्वेशन की बात करते हैं, हक हकूक की बात करते हैं, मुसलमान के नाम से संविधान में कोई भी गुंजाइश नहीं है, कोई भी रिजर्वेशन कभी मिल नहीं सकेगा, कानूनी दिक्कतें हैं, संवैधानिक दिक्कतें हैं, इसलिए मुसलमानों के लिए मांगना ये उचित नहीं है। लेकिन मुसलमानों के लिए मांगने का दूसरा तरीका ये हो गया कि भाई ये नाई है इनको रिजर्वेशन दे दिया जाए, इनको सुविधा दे दिया जाए, वो कुरेशी है उनको दे दिया जाए। कहने का मतलब हम कुरेशी का नाम ले रहे हैं, धोबी का नाम ले रहे हैं, नाई का नाम ले रहे हैं, बंजारा का नाम ले रहे हैं, अंसारी का नाम ले रहे हैं, नाम हम ले रहे हैं इस यानी पेशावर लोगों का, लेकिन है तो वो मुसलमान। इरादा तो हमारा मुसलमानों को ही फायदा पहुंचाने का है, समझे साहब। वो नाई की शक्ल में ही हमारा समाज है, धोबी की शक्ल में ही हमारा समाज है, मंसूरी की शक्ल में ही हमारा समाज है। तो अगर मुसलमान के नाम से कानून में बंधन है, संविधान में बंधन है, तो हम ये चाहते हैं कि भाई ठीक है, नाई के नाम से रिजर्वेशन मिल जाए, फायदे मिल जाए, इस पर किसी को बुरा लगने की कोई बात नहीं। और इसमें मुसलमानों में बंटवारे की भी कोई वजह नहीं हो सकती है। जो लोग बंटवारा इसमें मानते हैं वो गलत दिशा में है, उन्हें कानूनी चालक हुई भी पता नहीं है, संविधान के बारे में भी उन्हें पता नहीं है। मैं उनसे अपील करूँगा कि फिर से वो संविधान पढ़ने की कोशिश करें, उनका जो जहन में जो कुछ गंदगी भरी होगी वो साफ हो जाएगा। हम मुसलमानों की ही वकालत कर रहे हैं, लेकिन पेशावर मुसलमानों की वकालत कर रहे हैं, उन मुसलमानों की जिनको संविधान ने एक मौका दिया, फराहम किया है कि भाई ये चीज़ें आपको मिलनी चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है। मैंने आपका कहने का मतलब ये हुआ कि जो लोग पेशेवर हैं उनको जाति विशेष करके जो जिस रूप में बांटा गया है उनका उनको फायदा पूरी तरह से मिलना चाहिए। नहीं, जाति शब्द इस्तेमाल ना करें। नहीं नहीं जी, पेशा कर, जाति शब्द इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, ये पेशावर लोग, पेशावर लोग, समझे साहब जी। हाँ। जी तो जब जैसे कि मैं उदाहरण दे देता हूँ, मेरा नाम जो मैं बस्ती जिला यूपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरा सरनेम क्या है, बाटली वाला हमने बना दिया, बजट में करवा भी दिया है, मतलब मैं, मेरा पेशा है वो बॉटल के कारोबार, ये हमारा पेशा है। तो पेशावर कोई जात नहीं हो गई, बाटली वाला कोई जात नहीं हो गई, बॉम्बे एक ऐसा, हाँ ये टाइटल हो गया। तो इसी तरह जो तेली है, तेल निकालना उसका पेशा है, वो जाति नहीं है। जाति से अगर देखेंगे, कौन से देखेंगे, तो वो मुसलमान, लेकिन उसके अंदर रहते हुए वो तेल निकाल रहा है, इसलिए उसके ये दिया जाता है। अब ये कहोगे कि भाई क्यों इस तरह के नाम है, बिल्कुल ज़रूरी है। जैसे ये आपका मकान है, अगर इस मकान के अंदर अगर इलेक्ट्रिक की खराबी आ गई तो आप किसको बुलाएंगे, इलेक्ट्रीशियन को बुलाएंगे, तो उसके नाम तो यही हो गया ना। इलेक्ट्रीशियन उसकी जात नहीं है, उसकी कौम नहीं है, उसका धर्म नहीं है, इलेक्ट्रीशियन उसका यानी पेशा है। और आप इलेक्ट्रीशियन को बुलाएंगे, भैया मेरे घर के लाइट खराब हो गई, बुला दीजिए। आपके अगर यह सोफे और गद्दे खराब हुए हैं, आप दुरुस्ती के लिए इसको कहेंगे तो किसको बुलाएंगे, आप मंसूरी को बुलाएंगे, भाई ये है। तो ये जात नहीं है, ये उनका पेशा है, मैं उसको उस नज़र से देखता हूँ, ये जात नहीं, जात उनके चारों के मुसलमान हैं, ये पैसे के हैसियत रखते हैं। और जब हमें तेल की ज़रूरत होगी तो हम तेल ही को बुलाएंगे,
इसका मतलब वो उसका धर्म नहीं हो गया, उसकी कौम नहीं हो गई, उसका पैसा है। तेल लेने के लिए हम तेली को बुलाएंगे, और बाल कटाना है अगर तो हम नाई को बुलाएंगे, नाई के पास जाएंगे, अगर कपड़े धुलाने हैं तो हम धोबी के पास जाएंगे, अगर कपड़े बनवाने हैं बुनने हैं तो हम अंसारी के पास जाएंगे, रंगरेज के पास जाएंगे। तो ये उनके धर्म नहीं है, धर्म में बंटवारा नहीं है, ये उनकी जाति नहीं है, ये वो पेशावर है। जैसे कि मैंने कहा भाई आपके घर के अगर ये पेंट खराब हो गए, कलर खराब हो गए तो आप पेंटर बुलाएंगे, तो शब्द पेंटर इस्तेमाल करेंगे ना, यही को आरक्षण मिलना चाहिए। हाँ, समझे सर। तो ये सब पेशावर लोग हैं, इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और संविधान के अंदर इन्हीं के लिए गुंजाइश है। धर्म के आधार पर बिल्कुल किसी को भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। मुसलमानों के नाम पर जो भी लोग रिजर्वेशन मांगते हैं वो लोगों को हिंसा भूल कर रहे हैं, वो या तो खुद गलती में है या जानबूझ कर के लोगों को गलत संदेश दे रहे हैं। एक सवाल है आपके पैकेज में, सबसे बड़ा वर्ड है इत्तेहाद। इत्तेहाद मतलब सारी पार्टियों को एकजुट करके एक यूनिटी बना के एक सिंगल पर्सन उसका अध्यक्ष हो। तो खैर पार्टियां तो सारी हैं, सारे पार्टी के लगभग सारे अध्यक्ष हैं, और सारे अपने आप में एक मुकाम पाए हुए हैं, सबको कहीं ना कहीं किसी का एक विधायक है, किसी का एक सांसद है, किसी का चार विधायक है, तो अपने अपने में सबको वजनदार। अब कहना ये है कि आप आखिर इनमें से, आपने कहा एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, तो ये जो लड़ाई आपकी होगी जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसको आप किस हिसाब से डील करेंगे? देखिए साहब, ये जो सवाल है आपका ये भी सवाल सही है, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि उस लेटर को आप ठीक से पढ़े नहीं, और ना ये सवाल आप ना करें। उसमें हमने एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की डिमांड नहीं रखी है। इसमें यह है कि पहली बात तो यह समझ लीजिए कि हम जो कोशिश कर रहे हैं वो मुस्लिम सियासी इत्तेहाद की कोशिश है। ये गठबंधन वाली लाइन अलग है, ये समझे था, लेकिन मुस्लिम सियासी इत्तेहाद की कोशिश कर रहे हैं। उसमें जो है सभी जो मुस्लिम लीडर्स में चलने वाली पार्टियां हैं उनकी इत्तेहाद की कोशिश कर रहे हैं। क्यों सवाल ये आता है कि भाई सिर्फ मुस्लिम इत्तेहाद से इस देश में कुछ राजनीतिक परिवर्तन लाया जा सकता है? मैं मानता हूँ कि नहीं, सिर्फ मुस्लिम इत्तेहाद से ही राजनीतिक परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। ये मल्टी कास्ट देश है, यहाँ पर सबको साथ में लेने का ज़रूरत है, सबकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सबके हक हकूक की आवाज़ उठानी पड़ेगी। लेकिन सवाल ये है कि मैं अकेले आवाज़ नहीं उठा सकता, मेरी आवाज़ इतनी बुलंद नहीं हो सकती है कि देश भर में मैं अपनी कौम का भी दूसरी कौमों का भी जो दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज़ बन सकूँ। ये मेरी औकात नहीं है, मेरी हैसियत नहीं है। दूसरी तरफ मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो मुसलमानों की लीडरशिप में चलने वाली जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं उनकी भी हैसियत नहीं है कि अकेले बलबूते पर पूरे देश के लोगों का और अपने मुसलमानों की आवाज़ वो बन सकें। ऐसे किसी भी पार्टी के नेटवर्क नहीं है पूरे देश में। तीसरी चीज़ इसमें यह है कि यहाँ पर काम करने के लिए, चाहे सियासी काम करने हो, सामाजिक काम करने हो या दिल्ली काम करने, ताकत तो जरूरी है। इस देश के अंदर जो है कि राजनीति समाज नीति सभी कुछ 49 और 51 के आंकड़े पे टिकी हुई, ये नोट कर लीजिए। इस देश की राजनीति समाज नीति 51 और 49 के आंकड़े पर टिकी हुई है। आपके जो गांव है महाराजगंज जो सिटी है उसके बैरिस्टर वकील जज प्रोफेसर टीचर इंजीनियर जितने मतलब तालीम याफ्ता बड़ा तबका है वो आपके साथ रहे। मेरे साथ उस शहर के लंगे लूने लंगड़े पहरे काने अनपढ़ गंवार सभी तरह के लोग मेरे साथ रहे, लेकिन क्रीम तबका आपके साथ है लेकिन उसकी संख्या 49 है। और ये तमाम लोगों के जो पिछड़े हुए हैं या ना समझ लोग अनपढ़ लोग गंवार लोग लूले लंगड़े लोग हैं वो सारे लोग मेरे साथ हों, लेकिन हमारी संख्या 51 की हो। तो साहब पार्लियामेंट में और असेंबलियों में कानून हम बनाएंगे, तुम नहीं बना पाओगे, समझे साहब। तुम्हारा तालीम याफ्ता तबका
आप लेके बम्बई के आजाद मैदान या दिल्ली के जो है जंतर मंतर पर या लखनऊ के विधान भवन के सामने जिंदाबाद मोर्दाबाद करते रहिए, लेकिन हाउस में हम जाएंगे, हाउस में कानून हम बनाएंगे, हम अनपढ़ गंवार लोग जो भी हैं कानून हम बनाएंगे। ये देश की राजनीति की हकीकत है कि जिनके पास 51 लोग होंगे वो पार्लियामेंट और असेंबली में कानून बनाएगा, और जिनके पास 49 लोग होंगे उनको जो है जिंदाबाद मुर्दाबाद वो सड़क पर करते रहे, उनकी कोई अहमियत नहीं हो, समझे साहब। इसलिए मुसलमानों को हम लाना चाहते हैं मेन स्ट्रीम में इस देश की सियासत में। तो जब हम देखते हैं कि देश भर में मुस्लिम पार्टियों की अकेले अकेले किसी की ताकत नहीं है, किसी का नेटवर्क पूरे देश में नहीं है, तो फिर क्यों ना हम 10 लोग को इकट्ठा करके एक ताकत बनाएं, ये मसला है, समझे साहब। अब 10 लोग की अगर ये इकट्ठा ताकत बन जाती है, इत्तेहाद हो जाता है, ये इकट्ठा होकर के चलते हैं देश भर में, तो इसके पीछे एक और भी मकसद है। 10 लोग इकट्ठा हो जाने के बाद, ये 10 लोगों को इकट्ठा करने के मंशा यह है, उसका खुलासा करना चाहता हूँ कि जैसे आपके घर में शादी हो, कोई फंक्शन हो, इस तरह का हो, दावत तो आप पूरे महाराजगंज को दे सकते हैं, मुमकिन भी, आप खर्चे भी बर्दाश्त कर सकते हैं। ये सब करने के साथ साथ आपको जरूरत होगी मेजबान की, समझे साहब। अगर आपने दावत दे दी है और मेजबान की टीम तैयार नहीं की है तो सारा खर्चा पानी फिर जाएगा और आपके दरवाजे पर आए हुए मेहमान आपको गालियां देकर के जाएंगे, आप बेइज्जत हो जाएंगे। तो इस इत्तेहाद का मतलब ये हो गया, देश भर में बदलाव लाना है, देश भर के लोगों को दावत देना है, दूसरे बिरादरियों को भी दावत देना है, समझे साहब। दावत तो हम दे सकते हैं, बड़ा बहुत आसान है, लोग आ भी जाएंगे। मेरे साथ बहुत लोग हैं गैर मुस्लिम जो बेचारे हैं, हिंदू तबके के लोग हैं, मुझे बहुत मदद कर रहे हैं, तो हम दावत तो दे सकते हैं, वो आ भी जाएंगे, लेकिन मेजबानी कौन करेगा। मेजबानी की टीम तैयार करने के लिए हम मुस्लिम लीडरशिप की पार्टियों को मुतैद कर रहे हैं कि देश आपकी राह देख रहा है, आप दावत दीजिए, पूरा देश आपके साथ आने को तैयार है, आप मेजबानी कबूल कर लीजिए कि इस्माइल साहब आप पूरे देश को दावत दीजिए, मेजबानी हम संभालेंगे, इंशाल्लाह इस देश में इंकलाब आएगा और आंधी आएगी, बस शर्त यह है कि ये 10-12 लोग जो हमारे लोग हैं ये मेजबानी के लिए तैयार हो। अब रही आपका सवाल, एक ये रहा कि भाई अध्यक्ष कौन होगा, ये हम नहीं तय कर सकते। हमारा कहना ये है कि ये जो 10-12 लोग हमारे मुस्लिम लीडरशिप के जो कायद हैं, ये एक कमरे में बैठ जाएं, समझे साहब, एक कमरे में बैठ जाएं, चिंतन मंथन करें, एक दिन करें, दो दिन करें, तीन दिन करें, इस कमरे में तय कर लें, ये लोग 12 लोग 11 लोग जो भी लोग हैं ये लोग तय कर लें कि भाई ये जो है फला को हमने लीडर मान लिया, सारे लोग मुत्तहिद होकर के आके दरवाजा खोलकर बता दें कि भाई हमने एक को लीडर मान लिया है, हम पूरे देश में उसको लीडर बनवाने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूँ जब मैं घूमूंगा तो यकीन लोग उस आदमी को लीडर मान लेंगे, समझे साहब। यही लोग को तय करना है, एक लीडर होगा या सब के सब लीडर होंगे, ये दो दोहरा तरीका है, या सभी लोग लीडर हो जाएं, वो भी हम देश में घूमेंगे और मनवाएंगे कि भाई ये भी लीडर है, ये भी लीडर है, ये भी लीडर है, ये भी लीडर है, लेकिन ये फैसला अकेले आप मत करिए, कोई ना करे कि मैं लीडर हूँ, बल्कि वो 10-12 लोग जो भी हैं वो मिलकर तय करें कि हमारी टीम का एक लीडर होगा या हमारी टीम के सभी लीडर होंगे। ये दोनों तरह के बयान हमको आके दरवाजे के बाहर ओपन करके बता दें कि भाई हमने फैसले लिए, फैसले उन्हें तय करना, हम नहीं तय कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, जो उन्होंने फैसले लिए हैं उसको जमीन पर उतार सकते हैं, उसको अमल में ला सकते हैं, एक ये होगा। दूसरी चीज़ें ये भी हो सकती हैं कि सभी पार्टियों का इत्तेहाद हो सकता है, सभी के बैनर झंडे डंडे सब मुकम्मल रहे, सबकी पहचान भी बनी रहे, ये भी रख सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी कर सकते हैं कि सभी लोग मिल करके सारी पार्टियों को ये कर दें, रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर दें और एक नई पार्टी जो सेकुलर और जमहूरी पार्टी हो मुसलमानों के बीच मुस्लिम लीडरशिप
के अंदर रहने वाली इस तरह के अंदर देश भर से एक मुस्लिम पार्टी भी ले आए और स्टेट की लीडरशिप डेवलप करें। ये देश बहुत बड़ा है, मैं सुझाव देना चाहता हूँ आपको और आपके लोगों को कि ये देश बहुत बड़ा है, सिंगल लीडरशिप यहाँ चलना मुमकिन नहीं है। इस देश के अंदर आपको लीडरशिप उभारनी है तो सामूहिक लीडरशिप आपको खड़ी करनी पड़ेगी, चाहे आप उसको एक पार्टी बना के खड़ी करें या सभी पार्टियों को कायम रखते हुए करें, लेकिन सामूहिक लीडरशिप एक्सेप्ट कर रहा है ये देश। एक लीडरशिप की बात नहीं कर रहा है, एक लीडरशिप पूरे देश में नहीं पहुँच पाएगा। लीडर आपका स्टेट वाइज होना चाहिए और हर स्टेट में आपने लीडर पैदा करना चाहिए। ये मेरा आपके सुनने वालों को मेरा सुझाव है, ये कोशिश है, इत्तेहाद की कोशिश करिए, यानी मेज़बान तैयार करने की कोशिश करिए। जिस दिन आपके मेज़बान तैयार हो जाते हैं इंशाल्लाह सारी कौमों को दावत दी जाएगी और वो सारे कौमें आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हाजिर होंगी और नज़र आएंगी। इस देश में इंकलाब लाना है तो मुसलमानों को मेज़बानी के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर ऐसा हुआ तो राजनीति दुनिया में बहुत बड़ा भूकंप आ जाएगा। बिल्कुल साहब, और यहाँ से दिल्ली तक क्या पूरे दुनिया में जी इसका डंका बजेगा। और एक सवाल और मेरा आपसे है कि जैसे कुछ नुमाइंदे ऐसे हैं मुसलमानों के जो कि पक्ष को जवान देते हैं बोलने, जैसे कुछ मानसिक टाइप में कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे मुसलमानों का कौम बदनाम होता है, मुसलमानों के ऊपर उंगली उठती है, ऐसे लोगों को आप काबू में कैसे करेंगे? जब इत्तेहाद होगा तो ऐसे लोगों को काबू में कैसे? इसके ऊपर हमने एक लेटर लिखा है, समझे सर? इत्तेहाद नहीं होने की वजह से कोई भी कहीं भी चला जाता है बोल के आ जाता है। जी जी, समझे सर? ये सारी गाइडलाइंस से ये उससे इत्तेहाद से ये होगा। जैसे कि आप ये समाज की बात कर रहे हो, मैं मेरे घर की बात कर रहा हूँ या आपके घर की बात कर रहा हूँ? मान लीजिए मेरा बेटा या बेटी, उनके कदम ठीक नहीं है, गलत रूट से जा रहे हैं, समझे साहब, और मेरे रोकने से नहीं रुक रहे हैं, तो यूँ टाल दे दे ये बुढ़े बुढ़े क्या कर लेंगे, ये तो घर में बैठे रहते हैं, हमें तो बाहर घूमना है, हम जो चाहे वो कर लें बाहर, समझे साहब? तो वो करते भी हैं, हमारी औकात क्या हो गई, हम घर में सिमट गए। लेकिन जब इत्तेहाद हो जाएगा तो उनको ये रखेगा कि मेरे माँ बाप तो घर में बैठे हैं लेकिन इत्तेहाद कौम के अंदर है, मेरा बाप मेरी माँ मुझे नहीं देख रही है लेकिन मुझे हजारों आँखें देख रही हैं। इत्तेहाद का ये आप इस पर भी फर्क पड़ेगा, समझे साहब? मेरा बाप मुझे अपने हाथों से नहीं रोक पाएगा, मेरी माँ मेरे हाथों अपने हाथों से नहीं रोक पाएगी, लेकिन बहुत से माँ बाप भाई बहन समाज में मुझे देख रहे हैं, जैसे भी मेरा गलत कदम उठेगा तैसे मुझे रोकने वाले हजारों हाथ हैं। तो ये जो इत्तेहाद का जो मकसद है ये आपके किचन तक भी फायदेमंद होगा। ऐसी कुछ पार्टियाँ जो मुसलमानों का रहनुमा बताती हैं, अगर आपके इत्तेहाद में अगर ऐसी पार्टियाँ शामिल हो जाएं, जैसे समाजवादी पार्टी है, सपोज दैट बहुजन समाज पार्टी है, कुछ ऐसी पार्टियाँ हैं जो मुसलमानों का रहनुमा बताई जाती हैं, अगर आपके इत्तेहाद में अगर वो पार्टियां शामिल होना चाहें तो? नहीं, वो हमारे इत्तेहाद में नहीं शामिल हो सकते हैं, उनके साथ चुनावी समझौते हो सकते हैं, सीट के बंटवारे हो सकते हैं, सत्ता संपत्ति में बंटवारे हो सकते हैं। देखिए, आपने समाजवादी की बात की, पहले उन्होंने यादव को मुत्तहिद किया, समझे साहब? पहले उन्होंने यादव को मुत्तहिद किया, उसके बाद ही दूसरे समाज में उन्होंने कदम बढ़ाई थी। मायावती को ले लीजिए, कांशीराम ने पहले दलितों को मुत्तहिद किया, उसके बाद दूसरे समाज में गए हैं और उनको मौका मिला है। मुसलमानों को भी अगर जाना है दूसरे समाज में भी तो पहले मुसलमानों को मुत्तहिद करना होगा, जब मुसलमान मुत्तहिद होंगे तभी दूसरों के बीच जाएंगे और लोग यकीन करेंगे। साहब, आपके सवाल का मैं सीधा थोड़ा सा कड़वा जवाब दूंगा। अगर आपकी बिरादरी, आपका परिवार, आपके भाई भतीजे आपके साथ नहीं है तो ये वावेला बिल्कुल फजूल है कि दलित मुस्लिम इत्तेहाद हो जाए, ओबीसी के इत्तेहाद हो जाए। मैं खुद कहूँ, अगर तुम बंटवारे में पड़े हो, इंतजार में पड़े हो, तो मैं क्यों आऊँगा? क्यों आएगा दलित, क्यों आएगा आपके साथ? आप खुद मुत्तहिद नहीं हो और वो क्यों आएगा आपके साथ? इसलिए ये सब नारे फजूल के हैं। जिसको भी दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ,
बैकवर्ड हिंदुओं के साथ और दीगर तबकात के साथ, सिखों के साथ, जो भी दबे कुचले लोग हैं, उनकी लड़ाई अगर मुसलमानों को लड़नी है तो पहले इनको मुत्तहिद होना पड़ेगा, समझे साहब। जैसे यादव मुत्तहिद हुए, लालू पैदा किया, मुलायम पैदा किया, अखिलेश पैदा किया, जैसे दलित मुत्तहिद हुआ, मायावती जैसे बहुत सारे देश में लोग हैं उनको मुत्तहिद किया, आपको भी मुत्तहिद होने पर आवाज़ उठानी पड़ेगी, इस पर काम करना पड़ेगा। जब आपका परिवार आपके साथ खड़ा होगा तब दूसरे लोग यकीन करेंगे। अगर आपका परिवार ही आपके साथ नहीं है तो मंच पर कितना भी दावा करिए, मीडिया में कितना भी बोलिए, कोई भी आप पर भरोसा नहीं करेगा। ये नेचर है, ये कुदरत का ही कानून है। अगर मेरा भाई मेरे साथ नहीं है, आप मेरी मदद नहीं करोगे, आप कहीं ना कहीं ये समझोगे कि इस्माइल साहब में कोई तो गलती है। मेरा परिवार, मेरी बीवी मेरे साथ नहीं है तो आप भरोसा मुझ पर नहीं करोगे। लेकिन जब आप ये देखोगे मेरा कुटुंब कबीला मेरे साथ है तो आप यकीन करोगे कुछ तो नेक आदमी होगा, तभी इसके साथ लोग हैं। तो ये मैसेज आपको देना होगा मुस्लिम समाज के अंदर कि भाई हम ईमानदार हैं अपनी बिरादरी के लिए, ईमानदार हैं अपने कौम के लिए, ईमानदार हैं हम अपने परिवारों के लिए। जब आप अपनी कौम के अंदर ईमानदारी पेश करेंगे तब दूसरे समाज के लोगों पर यकीन करेंगे, वरना नहीं करेंगे। कोई आपको लाठी डंडा मारने नहीं आएगा, लेकिन साइड हो जाएगा, आपके किनारे नहीं आएगा। पहले विश्वास आप अपने कौम में दिखाइए, अपने परिवार में दिखाइए, उसके बाद ही लोग दूसरे को चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब इस्माइल भाटली वाला साहब, और हिंदुस्तान की आवाम में और हिंदुस्तान के राजनीति में ये एक बहुत बड़ा अहम जगह है इनका, और इनके साथ बातें करके बहुत अच्छा लगा, हम भी मोटिवेट हुए, और दो चार लोग जो 10 लोग यहाँ बैठे हैं वो भी मोटिवेट हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।